जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम झारखंड विधानसभा के पास पहुंची है, जहां पर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की धरना 43 दिन से जारी है। ये लोग मानव श्रृंखला बनाने के लिए विधानसभा पहुंचे थे, जहां पर पुलिस प्रशासन ने इनको आधे रास्ते में ही रोक दिया। आइए इनसे जानते हैं कि इनको प्रशासन क्यों रोकी और इनका अगला कदम क्या होगा। हमारे साथ गुलाम जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आज वो मानव श्रृंखला बनाने वाले थे और पुलिस प्रशासन ने भी आपको रोक दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन ने अपना बल दिखाया है लेकिन हमारा मनोबल नहीं तोड़ पाया है और ना कभी टूटेगी, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग सत्य अहिंसा और शांति के मार्ग में चलने वाले अभ्यर्थी हैं। और देखिए, यहाँ पे हम लोग न्याय यात्रा निकाले हुए हैं और न्याय यात्रा को हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि हम न्याय मांगने के लिए निकले, हम किसी से लड़ने नहीं निकले हैं। क्योंकि बड़े भाई जो आज हमारे सदन में बैठे हुए हैं, वो हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी बातों को उठाएंगे और हम उनसे न्याय यात्रा के लिए निकले हुए हैं कि हम वो हमारे साथ न्याय करेंगे। हम नियुक्ति लेने के लिए उतरे हुए हैं, कहाँ कहाँ नहीं हमें सरकार थकाई है, 5 साल से किसी एक चीज़ के लिए हम लोग जंग लड़ने के लिए निकले हैं क्या? नियुक्ति मांगने के लिए निकले हुए हैं। और इसीलिए तमाम, चाहे कोई भी कुछ भी कर लेगा, प्रशासन का कितना भी रवैया कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। पंचायत सचिव का कोई भी युवा झुकेगा नहीं, अपनी नियुक्ति के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी नियुक्ति हम लेकर के ही जाएंगे। बिल्कुल, हम लोग जा रहे हैं, आगे जाएंगे विधानसभा की ओर, हम जाएंगे बिल्कुल। हमारी जो मांगे हैं, हम लोग न्याय यात्रा निकाले हुए हैं और हमारा न्याय यात्रा रहेगा, संभव होगा और हम इस न्याय यात्रा को पूरा करेंगे। हमारे साथ देख सकते हैं जितने अभ्यर्थी हैं, उतना हमारे साथ प्रशासन भी पहुंची हुई है। आप जरा उनसे भी एक बार क्वेश्चन करिएगा कि इस लड़ाई में वो हमारे साथ क्यों नहीं है, वो भी तो हमारे भाई हैं। जब उनसे न्याय की मांग करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि हम सरकार के लिए बने हुए हैं, जनता के लिए हम नहीं बने हुए हैं, तो आखिर जनता कहाँ जाएगा? जिस जनते के टैक्स को वो खाती है, आज उसी जनता के साथ वो लोग कुठाराघात करते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ जो स्थिति बनी हुई है, बहुत ही विडम्बना है हमारे साथ कि झारखंड सरकार, जो हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन हैं, वो हमारे एक तरफ रक्षा करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ पीठ पीछे पुलिस के माध्यम से हमारे ऊपर कुठाराघात करते हैं। तो ये आखिर इस तरह का दमन जो है कब तक चलेगा? हम यहाँ सड़कों पे हैं और विधानसभा में हमारे बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे भविष्य का फैसला करेंगे वहाँ पे। अगर सरकार आपको अभी भी नियुक्ति नहीं देती है तो आपका अगला कदम क्या है? कदम तो सरकार देख ही रही है कि हम लोग बार बार कितना उग्र होते जा रहे हैं। अगर सरकार चाहती है कि जो हमारे मासूम से हाथ हैं, ये हमारे निर्दोष जो हाथ हैं, अगर इन हाथों में अगर शास्त्र जो पकड़े हुए हैं, शास्त्रों को जो पढ़ रहे हैं, अगर शास्त्री बनाना नहीं चाहते हमें, तो हम जरूर शस्त्र उठाएंगे। और जब शस्त्र उठेगा तो फिर उस समय का स्थिति बहुत ही भयावह होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, जब हमारे पास जीने के लिए कोई इच्छा ही नहीं बचेगा तो हमारे पास फिर बहुत सारे विकल्प बचते हैं, हम लोग गलत रास्ता भी चुन सकते हैं। आज आपको पुलिस प्रशासन रोक दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? पुलिस, हम ही लोग को पैसे पे तनख्वाह मिलती है या सरकार को तनख्वाह मिलती है, वो बोलते हैं कि हमको वहाँ से आदेश आया है कि धरना स्थल यहाँ पे नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही चीज़ हमारी पुलिस से बात हुई कि यहाँ पर नहीं पुंदाग जाकर के आपको धरना स्थल पर धरना, यहाँ पर आपको नहीं खड़े रहना है। हम कहते हैं कि टैक्स हम भरते हैं, ये कुर्सी पर हेमंत सरकार जो बैठे हुए हैं या आलमगीर आलम बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हुए हैं, तो क्या हम ही लोग के पैसे पर बैठे हुए हैं? हम ही लोग पैसे देते हैं, टैक्स वगैरह जो भी भरते हैं तो वही पैसे उन लोग को चलती है, या पुलिस भी खटती है तो हमारे पैसे पर पुलिस खटती है, तो पैसे हम दें और बातें उनकी माने। और वो क्या बोल रहे हैं कि किसी उठा करके ले जाएंगे, बस में भर करके ले जाएंगे, तो ठीक है, अगर आपकी बस में उठा के ले जाने की हिम्मत है तो आप एक बार छू के तो बच्चे को देख लो, गार्जियन हम खुद बैठे हुए हैं, उसकी बोलते हैं कि बीजेपी के सर पाप है, बीजेपी वो तो बीजेपी दिए भी नियुक्ति के लिए, लेकिन तुम पास क्यों नहीं कर रहे हो? पास तो करनी चाहिए ना, तो वो बीजेपी के पाप के पे कुर्सी पे क्यों बैठे हो आप? वो भी तो वही कहा है ना, तो क्यों पाप पे कुर्सी पे बैठे हो आप लोग? नहीं बैठना चाहिए, बस लाए हो बच्चे को डराने के लिए, एक नुक्ति भी नहीं दे रहे हो, क्यों? क्या अपराध बच्चे किए हैं? उनको तो आपको देना पड़ेगा जवाब, नहीं तो बहुत बड़ा ये होगा, आंदोलन हो जाएगा। हेमंत सरकार तक आपका क्या संदेश है? हेमंत सरकार के ही हमको कहना है कि अनपढ़ गंवार बच्चे नहीं है ये, ठीक है, ये लोग अनपढ़ गंवार बच्चे नहीं, ये लोग अपना नियुक्ति लेना जानते हैं, बैठाए हैं कुर्सी से कुर्सी पे तो उतारना भी जानते हैं ये लोग, बैठाए हैं ये बच्चे लोग वोट दे करके, एक एक बॉर्डर है, एक एक बॉर्डर बैठे हैं, सचिव वाले हैं, सब उतारना भी चाहते हैं, उतार देंगे वो लोग कुर्सी से, जैसे बैठाए भी वैसे कुर्सी से उतार भी देंगे वो। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी लोग इतने हाईटेक हैं
कि अगर एक बच्चा अगर चाहे तो आईटी सेल के माध्यम से 1000 वोट इनका काट सकता है एक बच्चा, इतनी आईटी सेल में ताकत है। ये मुख्यमंत्री साहब भी जानते होंगे, पता नहीं ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग आईटी सेल के माध्यम से इनको 1000 भीड़ पे भारी नहीं पड़ गया तो आपको जे बोलिएगा से होगा। 1000 भीड़ को भारी काटने का शक्ति रखता है पंचायत सचिव आईटी सेल के माध्यम से। तो एक पंचायत सचिव जो भी अभ्यर्थी है कंप्यूटर दक्षता पूरा किया है, टाइपिंग टेस्ट पूरा किया है, तो इनको ऐसा क्वालिटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा क्वालिटी नहीं मिलेगा। माखन है माखन, पंचायत सचिव अभ्यर्थी एक छात्र ही नहीं, एक अभ्यर्थी ही नहीं, माखन है झारखंड के पंचायती राज के लिए। क्योंकि इन लोग सब हम बोलना चाहते हैं कि अभी जितने हमारे पर यहाँ पर धरना स्थल पर बच्चे खड़े हैं, अगर ये लोग पैसे दे दें बिचौलिया को तो तुरंत नियुक्ति निकल जाएगा। ये लोग पैसे नहीं देते हैं तो नियुक्ति नहीं निकल रही है, तो भ्रष्टाचार की भी कोई हद होती है। पुलिस के पास जाओ तो वहाँ भ्रष्टाचार, नेता के पास जाओ तो वहाँ भ्रष्टाचार, तो ये भ्रष्टाचार पर कब तक चलेगी? एजी महोदय को हम लोगों ने खुद पैसा दे के केस लड़ाया है। एजी महोदय को 2 लाख रुपए दिया, जब एजी वर्तमान एजी नहीं थे झारखंड का, जब वो वकालत करते थे तो हमारा केस इन्होंने बोला 100% गारंटी के साथ बचाया जाएगा और बचेगा, तुम लोग का राइट है, फैक्ट हो, तुम लोग पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट हो। आज क्या हो गया इनको नियुक्ति देने में, किस नोट के गद्दी से चप गए हैं क्या? इनके मुंह बंद कर दिया गया है क्या कि इन लोग का नियुक्ति जाएंगे? एजी महोदय से मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपने जिस तरह से हमको हाई कोर्ट में डिफेंड किया हमारे केस को, आप हमारी नियुक्ति देने का कृपा करें। क्या हम पूछना चाहते हैं, जितने भी है गठबंधन की सरकार, प्रियंका तो बोलती है बेटी हूँ मैं तो लड़के लूंगी नियुक्ति, तो कहाँ गई प्रियंका? गठबंधन की सरकार है, आधा आपका भी भागीदारी है, तो आप क्या करे हुई लड़कियाँ के साथ में? इतनी लड़कियाँ के एज जा रही हैं, देखो कि माँ बन गई है, शादी हो गया है, फिर बेघर हो रही है, प्रताड़ना मिल रही है उन लोग के घर से, तो फिर क्यों नहीं सुन रहे हो प्रियंका जी? आप खाली लड़वा रहे हो, कहीं पर राजनीति करवा रहे हो, जा रहे हो कि वहाँ पर ईपी में हुआ था तो आप वहाँ जाके लड़वा दिए थे आप? क्या यही सब चीज़ है? यही चीज़ नहीं दिख रहा है कि लड़कियाँ इतनी रोड पर खड़ी हैं? एक लड़की के साथ में अगर दुर्घटना हो जाता है तो तुम जाते हो वहाँ पर काला बैंड लगा करके क्यों धरना स्थल पर बैठ जाते हो? यहाँ क्यों नहीं आते हो धरना स्थल पर बैठने के लिए तुम? आपका ऐसा मानना है कि सरकार को अगर पैसा दे दिया जाएगा तो सरकार नियुक्ति दे देगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पैसा जेपीसी में भी देखी होंगी कि जेपीएससी में भ्रष्टाचार निकला, जेपीएससी में भी पैसे लोग दिए, बोले कि कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर कहाँ से निकला, कहाँ से निकला? एग्जाम लोग नहीं दिया, वो लोग पास हो गया है, पैसा देने से हो जाएगा। अब खुद सोचे ना, एजी महोदय को हमने पैसा दिया, पैसा के चलते उन्होंने केस को मेरा डिफेंड किया, तो आज क्यों नहीं? आज उनको हम लोग भी पैसे बोलिए कितना चाहिए, पैसा देते हैं, हमारा केस को बचाइए, हमको नियुक्ति दिलाइए। आप झारखंड का एजी है ना जी, आप एजी हैं, और जो वकालत थे पैसा वकालत कर रहे थे तो पैसा दिए, आप हमको बचा रहे थे, आज पैसा आपको नहीं दे रहे हैं तो नहीं बचा रहे, इसलिए बोल रहे हैं कि पैसा देंगे तो हो सकता है बचा दें। संसद में तो बोले हैं सभी आलमगीर बोले हैं कि हम ही लोग बचाए हुए हैं, नहीं तो रद्द कब को हो जाता। हाँ, एक चीज और भी क्या बोले हैं कि हम ही लोग हैं जो बचाए हुए, तो कब को रद्द हो जाता, ये कोई बात है बोलने की? नहीं नहीं ठीक है, आप बचा रहे, बहुत बड़ी आपकी कृपा है, हम लोग आपका चरण स्पर्श करता हूँ कि आपने मेरी नियुक्ति को बचाया है। एक चीज और मैं आपके माध्यम मीडिया बंधु के माध्यम से बताना चाहते हैं, सरकार को अल्टीमेटम है कि सरकार जिस विधानसभा क्षेत्र में गई है वहाँ 100 की संख्या में इनको घेरा है, पंचायत सचिव सिर्फ याचना किया है, लेकिन आंधे आज अल्टीमेटम दिया जा रहा है यहाँ से, इस रांची की धरती से, कि आज जिस विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे अल्टीमेटम है कि अब याचना नहीं रन होगा, आपको जूता चप्पल के माला पहना के स्वागत किया जाएगा, और नहीं हुआ तो आप इस बात को लिख लीजिए, नोट करके कि पंचायत सचिव एक अभ्यर्थी बोल रहा है। तिथि आने वाले होंगी, इनकी एक सीट भी नहीं मिलेगी, कहीं जाएंगे विधायक के लिए ना, एक भी कहीं से विधायक के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे ये लोग। गठबंधन के मतलब क्या हम ये बोले, दोनों गठबंधन की सरकार मतलब सही नहीं चल रही है। तो आपने सुना कि इनका अगला कदम क्या रहेगा, सरकार इन्हें अगर नियुक्ति नहीं देती है तो ये शस्त्र उठाने को भी तैयार है, और इनका कहना है कि अगर ये सरकार को पैसे देंगे तो सरकार इन्हें नियुक्ति तुरंत दे देगी। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।